अब डेप्रिसिएशन इस स्टेज पे आ चुका है जहां हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। आज डिस्कस करेंगे हम एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट के बारे में, जो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो आज का वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, ध्यान से देखना और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, क्योंकि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में भी आता है। तो अब आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। काफी इंपॉर्टेंट एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसको समझने में भी टाइम लगता है और बेसिक्स बनाने में देर लगेगी। तो आज की वीडियो इज कम्प्लीटली ऑन बेसिक्स, बहुत ध्यान से समझना और जितने भी बेसिक्स आप लोगों को नीड है, रिक्वायर्ड है, वो सब हम लोग इस लेक्चर में कवर अप कर देंगे। तो मेथड्स में हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो कि कहाँ चार्ज करा जा रहा है? मशीनरी अकाउंट में। और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लोग अभी तक ये काम करते आए हो कि जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो मशीनरी अकाउंट में या एसेट अकाउंट में ही हमने चार्ज कर दिया। यहाँ पे मशीनरी किसको सिग्निफाई कर रहा है? एसेट को। अब अगर कंपनी ये चाहे, अगर कंपनी अपना पॉलिसी बदलना चाहे एंड कंपनी वांट कि जो हमारा एसेट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चलता रहे, मतलब उसकी कॉस्ट चेंज ना हो, तो फिर वो डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करती है? एक सेपरेट अकाउंट में, एक दूसरा अकाउंट बनाती है जिस अकाउंट को क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, लाइक सपोज आप एक मशीनरी अकाउंट बना रहे हो या आप एक एसेट अकाउंट बना रहे हो, तो सपोज़ उसकी यहाँ पे वैल्यू थी 1 लाख, आपने 10,000 डेप लगाया तो वैल्यू बची 90। पहला साल हमारा ख़त्म हो गया, हमारी वैल्यू नेक्स्ट ईयर में 90 आ जाती है। आपने फिर 10,000 डेप लगाया, सपोज SLM था, स्ट्रेट लाइन मेथड था, वैल्यू आई 80, बैलेंस 80 आया। उसके बाद आप इस 80 को नीचे ले आते हो, तो हर साल आप देख रहे हो कि जो वैल्यू है एसेट की वो कम होती जा रही है। लिया था 1 लाख का, फिर 90 हो गई, फिर 80 हो गई। तो इस मेथड में जो वैल्यू ऑफ द एसेट है वो कम होता रहता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि यही लगता रहता है। बट अगर कंपनी ये चाहता है कि इस एसेट की वैल्यू ये 1 लाख ही रहे, डेप्रिसिएशन इसकी वैल्यू को कम ही ना करे, तो हम डेप्रिसिएशन यहाँ ना लगा के एक सेपरेट अकाउंट में लगा देते हैं। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड का मतलब ही क्या होता है? इकट्ठा करते रहना। तो इस अकाउंट में बेसिकली हर साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और जब मशीन सेल होगी तो एक ही बार डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाता है एसेट अकाउंट में। समझे क्या? क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मशीनरी या एसेट इज शोन एट इट्स रिड्यूस्ड वैल्यू। किस पे शो होता है? रिड्यूस्ड वैल्यू पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, मशीनरी या फिर एसेट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। किस पे शो होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक नीड है या बेसिक चीज़ थी जो आपको नोट डाउन करनी थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये तो आपने सीख ही लिया कि डेप्रिसिएशन अगर मशीनरी अकाउंट में या एसेट अकाउंट में चार्ज होता है तो कैसे शो करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एक सेपरेट अकाउंट में तो उसमें चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रहता है। उसके लिए मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, इफ द डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट तो हमारा कैसे काम होगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने कोई मशीनरी 1 अप्रैल 16 में खरीदी है 1 लाख रुपीस पे। 1 अप्रैल 16 में खरीदी, कितने में? 1 लाख रुपीस में। अब हुआ क्या, डेप्रिसिएशन हर साल 31 मार्च पे लगता है, तो 31 मार्च 17, फिर 31 मार्च 18, फिर हमने क्या करा है 31 दिसंबर 18 में ही इसको सेल कर दिया।
31 दिसंबर 2018 में ही इसको सेल कर दिया 50,000 रुपीज़ में। कितने में सेल करा इसको? 50,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब आपको दो अकाउंट बना के चलने हैं, एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। इसका मतलब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा कि आप दो अकाउंट बना के दिखाओ। तो जब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाना है तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको डेप्रिसिएशन इस मशीनरी अकाउंट में नहीं लगाना। वो डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में लगेगा। तो दो अकाउंट बना के चलते हैं हम लोग, एक मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारा मशीनरी अकाउंट हो गया और एक हम लोग बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट हो गया और ये प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट हो गया। तो अब आपको करना क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इधर भी ऐसे आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर इधर डेट, लो जी। क्वेश्चन स्टार्ट होगा सिंपल परचेज के साथ, जैसे हम करते हैं 1 अप्रैल 2016 में परचेज करा। तो यही दिखाऊंगा मशीनरी अकाउंट में, 2016 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, जो हमने 1 लाख रुपीज़ का एसेट बाय करा है। आपने एसेट बाय करा, आपने 1 लाख रुपीज़ का एसेट अकाउंट में दिखा दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यूजुअली जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो यहीं पे चार्ज होता है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में जब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बन रहा है तो इसको बनाने का पर्पज़ ही ये है कि डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में ना लग के कहाँ चार्ज होगा? इस अकाउंट में चार्ज होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2017 पूरे साल का डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख रुपीज़ पे, 1 लाख रुपीज़ पे 10% इट वुड बी 10,000, 10,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन बैठता है। तो हम क्या करते हैं यूजुअली, 2017 मार्च 31 यहाँ लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाया गया है तो डेप यहाँ लगेगा। इधर लिखो 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 10,000 रुपीज़ का डेप आप यहाँ लगाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में लगेगा, समझे? अब सिंपली बैलेंस निकाल लो। देखो जरा बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 1 लाख माइनस 0 1 लाख का बैलेंस आ गया और फिर ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपीज़, ये हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया। सिमिलरली इस अकाउंट का भी बैलेंस निकाल लो, इधर 10,000 है, इधर कुछ नहीं है, तो बैलेंस इधर आएगा 10,000 2017 मार्च 31। डेप तो हमेशा क्लोजिंग पे ही लगता है तो इसी क्लोजिंग डेट पे बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये हो गया 10,000 10,000, फिर इसको ब्रॉड डाउन कर लो 2017 अप्रैल 1। देखो इधर आया तो ब्रॉड डाउन इस तरफ होगा, ये इधर आया था तो ब्रॉड डाउन इधर हुआ था, ठीक है? ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000 रुपीज़। अब देखो डेप्रिसिएशन भी लग गया और मशीन पहले भी 1 लाख का था, अब भी 1 लाख का है, मशीन चल रहा है ना अपने कॉस्ट पे। यही पर्पज़ होता है कि मशीनरी अपना कॉस्ट पे चलता रहे और डेप्रिसिएशन एक स्पेसिफिक अलग अकाउंट में लगता रहे। अब ये बैलेंस क्या शो कर रहा है कि इस मशीन पे अभी तक 10,000 का डेप लग चुका है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक साल पूरा कुछ नहीं हुआ, फुल ईयर का हमें डेप्रिसिएशन फिर लगाना है। तो 31 मार्च 2017 के बाद 31 मार्च 2018 आ गया। अब तो हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ डेप लगाते हैं 2018 मार्च 31, लेकिन डेप के लिए तो अलग अकाउंट बनाया हुआ है, तो फिर से डेप यहाँ ना लगा के यहीं लगाया जाएगा इधर। तो क्या लिखूँगा, 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप फिर से सेम लगेगा, फिर से 10,000 रुपीज़ का डेप लग जाएगा। 10,000 का डेप लग गया, साल की बात ख़त्म हो गई। फिर बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा,
तो 1 लाख माइनस जीरो, फिर 1 लाख, फिर से कितना आ गया वैल्यू 1 लाख, टोटल भी 1 लाख आ रहा है, टोटल भी कितना आ रहा है हमारे पास 1 लाख। अब इसको ब्रॉड डाउन कर लो, 2018 अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये 1 लाख इधर आ गया। सिमिलरली डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकालेंगे, 2018 मार्च 31 पे चल रहा है सारा काम, टू बैलेंस कैरी डाउन 10 और 10, इस बार 20 का बैलेंस आ गया, ये टोटल हो गया 20,000। अब देखो क्या सिग्निफाई कर रहा है, अभी भी जो हमारा एसेट है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे चल रहा है, बट इधर डेप्रिसिएशन का बैलेंस अब 20,000 हो चुका है। इसका मतलब इस एसेट पे अभी तक कितना डेप लग चुका है, 20,000 रुपीज। अब इसको ब्रॉड डाउन कर लो, 2018 अप्रैल 1st बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000 रुपीज, ये फिर से ब्रॉड डाउन हो गया। इधर एरो लगाने की आपको कोई नीड नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कैसे आया है बैलेंस, किधर आया है, करेक्ट है जी। अब क्या हो रहा है, अब अगर आगे चलें तो इसी साल 31 दिसंबर पे, नए साल पे कंपनी ने सोचा अपने आप को अपडेट करते हैं, नई मशीन खरीदते हैं, पुराने वाली मशीन बेच दो। तो खरीदने की तो जानकारी दी नहीं है हमें, क्योंकि वो तो एक जनवरी को खरीदी होगी ना, हमें तो ये बताया गया कि 31 दिसंबर पे इसने बेच दी, या फिर हो सकता है इसको पार्टी करनी हो न्यू ईयर की, तो इसने कहा कि चलो भाई पैसे तो है नहीं, मशीन बेच के पार्टी कर लेते हैं, तो इसने अपनी मशीन ही बेच दी। चलो जी बेचने का काम करते हैं अब जल्दी से हम लोग। अब क्या हो रहा है देखो, 31 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक तो मशीन यूज़ हुई है, तो इतना तो डेप लगेगा, फिर से डेप कहाँ लगाओ, इधर ही लगेगा डेप, फिर से 2018 में ही दिसंबर 31 तक का डेप भी यहीं लगेगा, क्योंकि डेप आपको इधर ही लगाना है, दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बट अगर आप ध्यान दो तो ये मार्च से दिसंबर तक सिर्फ 9 मंथ्स बैठेंगे, कितने मंथ्स आएंगे 9 मंथ्स, तो अप्रैल से लेकर मार्च तो काउंट नहीं होगा, 31 मार्च है, यहाँ से 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स का डेप लगेगा। तो अगर पूरे साल का 10,000 है तो 9 मंथ्स का आ जाएगा 7,500, 9 मंथ्स का कितना आ जाएगा 7,500, ये 7,500 का डेप आप इधर लगा दो, ये डेप लग गया। अब यहाँ से थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग सेल जब करते हैं तो यहाँ डेप लगाते हैं पहले, बाय डेप हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, देखो बाय बैंक, फिर बाय डेप्रिसिएशन, और फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अगर लॉस आ रहा हो। बट यहाँ पे इस सिनेरियो में ये डेप्रिसिएशन तो हम ऑलरेडी कहाँ लगा रहे हैं, शुरू से ही यहाँ लगा रहे हैं। तो अब जब सेल हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना होता है कि इस मशीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इसकी आज की वैल्यू कितनी है। देखो ये मशीन ली कितने की थी, 1 लाख की, इस पे आज तक कितना डेप लगा वो तो माइनस करना पड़ेगा, आज तक कितना डेप लगा, पहली बार ये 10,000 लगा था, फिर ये 10,000 लगा अगले साल, इस साल लगा 7,500, तो क्या 10 और 10, 20 और 7,500, 27,500 का डेप लगा या नहीं लगा, देखो जरा। पहले साल आपने ये डेप लगाया था, दूसरे साल ये लगाया, तो टोटल 20 हो गया, इस साल 7,500 लगाया तो टोटल कितना हो जाएगा 27,500, तो 27,500 का आप डेप लगा चुके हो, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, वैल्यू बचेगी 62,500, 62 नहीं आई थिंक 72, वैल्यू बचेगी 72,500। तो हमारे पास 1 लाख माइनस 27,500, 72,500 की वैल्यू बची, और ये 72,500 वाली मशीन 50,000 में सेल कर दी, कितने में सेल करी 50,000 रुपीज़ में, तो 22,500 का लॉस आ गया। अब इसको कैसे प्रेजेंट करा जाता है सीखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय बैंक जितने की सेल हुई, कितने की सेल हुई 50,000, ये गिवन है। फिर ये जो हम डेप अकाउंट बना रहे थे या प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट नॉट डेप अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बेसिकली किस मशीन के रिस्पेक्ट में बनाया जा रहा था, इस मशीन के रिस्पेक्ट में, और ये मशीन तो बिक गई तो ये अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा, ये अकाउंट भी क्या कर दिया जाता है क्लोज, तो इस अकाउंट का अब कोई बैलेंस नहीं होगा, इस अकाउंट का अब कोई बैलेंस नहीं होगा, जितना भी डेप्रिसिएशन का बैलेंस है टोटल
27,500 भाई, 20,000 दस साल पहले साल का, फिर 10 साल दूसरे साल का, तीसरे साल का 7,500, तो टोटल 27,500 आ गया। ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफ़र करते हैं मशीन अकाउंट में, जब भी सेल हो, ध्यान रखना, जब भी सेल हो तो पूरा का पूरा बैलेंस कहाँ जाएगा, मशीन अकाउंट में, इधर आ जाएगा। किस नाम से आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट के नाम से। करना क्या है, जब सेल हो गई है तो इस अकाउंट का रेलेवेंस ही नहीं है, इसमें डेप लगा के क्या करना है, अब जब मशीन ही नहीं बची तो यहाँ से पूरा डेप इधर ले आओ, पूरा डेप इधर आ गया 27,500। अब बेसिकली आप 1,00,000 में से ये दोनों माइनस करके यहाँ पे लॉस लिख सकते हो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना लॉस आ जाएगा, 22,500 का ये लॉस आ जाएगा और हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। देखो काम वही है, अभी तक क्या हो रहा था, हर साल डेप लगता होता था, वही काम हमने यहाँ करा है, बस हुआ क्या है कि डेप्रिसिएशन इधर ना लग के इधर इकट्ठा हो रहा था हर साल प्रोविजन फॉर डेप या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी सेल होगा यहाँ पे दिखाना है मशीनरी अकाउंट के नाम से और इधर दिखाना है प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट के नाम से, और डेप्रिसिएशन यहाँ ना लगा के हर साल इधर लगना है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग डेप्रिसिएशन अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाया है। अगर सर ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता, अगर ये WDV होता तो क्या होता, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ चेंज आता, नो कोई चेंज ना आता, बस डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाती कि यहाँ पे पहले साल तो 10 ही लगता, फिर क्या होता कि 1,00,000 माइनस 10 ये लग चुका है, आपको वर्किंग नोट बना के चलना पड़ता 90,000, फिर इस पे लगता 90,000 पे 10% कितना लगता 9,000, फिर कितनी वैल्यू बचती 81,000, तो पहले साल तो 10, यहाँ पे 10 की जगह कितना लगता दूसरे साल 9,000, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है ना, और रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए आपको वर्किंग नोट इसमें अलग से बनाना पड़ेगा। मशीन अकाउंट तो कॉस्ट पे चलता रहेगा, मशीन किस पे चलता रहेगा, कॉस्ट पे, क्योंकि डेप तो यहाँ लगाया है तो यहाँ तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, यहाँ तो मशीन 1,00,000 फिर 1,00,000 फिर 1,00,000 फिर 1,00,000, यहाँ तो वैल्यू तब ऊपर नीचे होगी जब सेल हो, सेल में तो बिक ही जाना है। तो WDV जब होगा उस सिनेरियो में आपको एक वर्किंग नोट सेपरेटली बना के चलना पड़ेगा, ठीक हो गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन देखने के लिए। अगली ही वीडियो में मैं आप लोगों को WDV का मेथड करा दूंगा और आपको सिखाऊंगा एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा है इसके अंदर एसेट डिस्पोजल, और डेप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए, सभी कॉन्सेप्ट कर लिए, होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप फ्री हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन करो, और हमारा आज का कार्यक्रम इतना ही रहने वाला है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।